नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जो आपका लेसन है 2.1 ट्राई अगेन, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोगों को पता है कि ये जो आपका लेसन है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो वार्मिंग अप, यानी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके बाद आता है इंग्लिश वर्कशॉप। देखो यहाँ पे ये आपका वार्मिंग अप है, ठीक है, तो इसमें चिट चैट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके बाद जब आपका ये लेसन ख़त्म होता है तो यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप आता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा वीडियो है ना, इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर दूंगी, और फिर बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चिट चैट में अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू लाइक, पोएम्स और स्टोरीज। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना, आप इनके आंसर खुद से भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको क्या पसंद है, पोएम्स पसंद है कि स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ आपको अच्छी लगती है या फिर आपको कविताएँ अच्छी लगती हैं। तो इसका उत्तर देखो मैंने क्या लिखा है, आई लाइक बोथ पोएम्स एंड स्टोरीज, यानी कि मुझे तो स्टोरीज भी अच्छी लगती है और पोएम्स भी अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को बस पोएम अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखना आई लाइक पोएम, और अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती है तो क्या लिखोगे, आई लाइक स्टोरीज, ओके। अगर दोनों अच्छी लगती है तो जो मैंने लिखा है वही लिख देना। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एंजॉय द मोस्ट, यानी किस टाइप का पोएम आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका आंसर देखो मैंने क्या लिखा है, आई एंजॉय लिरिकल एंड डिडेटिक पोएम्स मोस्ट। अभी ये लिरिकल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग गा सकते हैं एक धुन में, एक सुर में। जैसे आपको याद होगा आपने सेवन स्टैंडर्ड में एक पोएम पढ़ा था, वी शैल ओवरकम, तो उसको हम लोग गा सकते थे ना एक सुर में, तो वो क्या हो गया, लिरिकल। और डिडेटिक मतलब क्या है, जिससे हमको कुछ ना कुछ उपदेश मिले। जैसे वो जो था वी शैल ओवरकम, उससे हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही थी, उपदेश मिल रहा था, राइट। तो मुझे इसी टाइप के पोएम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस, क्या आपको लगता है कि पोएम्स हमको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, यानी कि प्रेरणा देते हैं। तो इसका आंसर देखो, यस श्योर आई डू थिंक दैट पोएम्स इंस्पायर अस। इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है कि हाँ, जो पोएम्स है वो हमको क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर एनी सच इंस्पायरिंग पोएम, क्या आपको कोई ऐसा प्रेरणा देने वाला पोएम याद है। तो हमने सेवन स्टैंडर्ड में सीखा था ना वी शैल ओवरकम, तो उसी को आप लिख दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है, यस आई रिमेंबर द इंस्पायरिंग पोएम वी शैल ओवरकम। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वन है, व्हेन डिड यू लर्न और लिसन टू इट, आपने इसको कब सुना था या फिर कब इसको पढ़ा था। तो आई लर्न इट व्हेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड सेवन्थ, आपको याद होगा जब आप स्टैंडर्ड सेवन्थ में होंगे तब आपने ये कविता सीखी होगी वी शैल ओवरकम, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे। फिर सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट, मतलब ये जो पोएम था इससे आपको क्या मैसेज मिलता है। तो इसका आंसर देख लो, द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज दैट इफ़ वी हैव फेथ, यानी अगर हमको अपने आप पे भरोसा है, ठीक है, इन आवर सेल्स एज वी शैल ब्रेक थ्रू ऑल द हर्डल्स एंड मेक अस फ्री एंड लिव इन पीस, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे छः क्वेश्चन दिए गए थे, सभी के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आओगे ना तो एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, छः छः बच्चों का ना ग्रुप बनाना है, ग्रुप में सिक्स स्टूडेंट्स होने चाहिए, और फिर आप लोग क्या करोगे, हर एक बच्चा क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। अब एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, जैसे वो कुछ ट्राई करता है करने का लेकिन वो बेचारा क्या होता है, फेल हो जाता है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता है, वो ट्राई करते रहता है, ट्राई करते रहता है, ट्राई करते रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो सफल हो जाता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस आप लोगों को क्या करने हैं, अपने ग्रुप में शेयर करने हैं, ओके, डिस्कस करना है इसके बारे में। तो ये आप लोग खुद से कर लेना है ना, बस डिस्कस करना है तो ये तो आप लोग कर ही सकते हो। फिर उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो इसमें बी है, बी क्या है, बी क्वेश्चन है कि डिसाइड विच एक्सपीरियंस शेयर इन द ग्रुप इज द रिमार्केबल, फिल इन द फ्लो चार्ट विद द स्टेप्स टेकन फॉर सक्सेस। तो ये देखो मैं आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में बताना चाहूँगी। देखो अभी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, छः छः बच्चों का जो ग्रुप था उसमें आप लोगों ने बता दिया कि हम किस काम को कर रहे थे और किस में फेल हुए थे, फिर बाद में प्रयास किया हमने, बहुत मेहनत की और फिर हम सफल हुए,
ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपने एक्सपीरियंस तो बता दिए, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, वो जो सभी ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं तो उनमें से कौन सा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा क्या है, रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय है, सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाला है, उसकी हेल्प से आप लोगों को ये जो फ्लो चार्ट दिया गया ना इसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो, ये जो फ्लो चार्ट है ना ये आप लोग खुद से कर सकते हो। क्या करोगे, आपको जिस भी बच्चे का एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगे, उसको आप यहाँ पे फ्लो चार्ट के जरिए समझा सकते हो। जैसे पहले उसने क्या किया, ठीक है, और फिर वो कैसे फेल हुआ, उसके बाद फिर उसने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या कौन कौन सी मेहनत की उस चीज़ को पाने के लिए, और फिर लास्ट में उसको वो चीज़ मिल गई। तो इस तरीके से आप एक फ्लो में उसको लिख सकते हो, एकदम लाइन वाइज करके। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में पूरा करके, तो आप चाहो तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना अपनी नोटबुक में, या फिर खुद से लिखोगे तो और भी अच्छा है। ये देखो, ये आपका आंसर है। अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ आए। पहले ये दो बॉक्सेस देख लीजिए, फिर आगे के दो बॉक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, कि सी द इमेजेस, इमेजेस देखने हैं, रीअरेंज एंड राइट द प्रॉपर लाइन नंबर्स फॉर ईच फ्रॉम दोज गिवन बिलो। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक में पहले ये प्रश्न देख लो, जरा ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन देख लिया। चलो अभी मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखो यहाँ पे ये जो लाइंस दी गई है ना, जैसे यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा है, द स्पाइडर क्लाइम्ड अगेन अ लिटिल हायर, यानी कि जो स्पाइडर है वो ऊपर तक पहुँच चुका है, मतलब थोड़ा सा ही दूर है, अगर वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको किस फिगर में दिखाई दे रहा है, ऐसा कि वो थोड़ा सा ही बाकी है, किस फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये वाले फिगर में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ये इट डिड नॉट गिव अप एंड क्लाइम्ड हायर एंड हायर, यानी कि अभी भी उसने गिव अप नहीं किया, हारा नहीं है, और वो चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, ऊपर ऊपर चढ़े जा रहा है। तो कहाँ पे चढ़े जा रहा है, देखो ध्यान से, इससे आगे वो कहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ में आया अभी। फिर थर्ड है, इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, यानी कि वो बेचारा फिसल जाता है और गिर जाता है। तो कहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अ स्पाइडर बिगिन टू क्लाइम अ वॉल, फिर स्पाइडर शुरू करता है चढ़ना। तो देखो कहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ पे शुरू कर रहा है, यहाँ पे लिखोगे 4। उसके बाद क्या है, फाइनली इट रीच द टॉप, और फाइनली क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, यानी कि वो एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है। तो कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे लिख देना 5, ठीक है। 6 क्या है, इट फेल डाउन अगेन द सेकेंड टाइम, और फिर वो क्या होता है, दूसरे बार भी बेचारा गिर जाता है। तो किस में गिरा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6। ऐसे करके आप लोगों को इसे करना था, समझे। अब ध्यान से देखो, मोरल क्या है, यानी इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला। तो इफ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड, यानी कि अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना चाहिए, बार 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 ट्राई करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके वार्मिंग अप के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देखो यहाँ पे सबके उत्तर दिए ना मैंने आप लोगों को, चिट चैट में जितने भी प्रश्न दिए गए थे, फिर यहाँ पे पहले का ए और बी और ये दूसरा, ठीक है। अभी ये जो वार्मिंग अप है ना, इस वार्मिंग अप तो हो गया, अब जो इंग्लिश वर्कशॉप है इसके आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।